हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एपिसोड 18 को। एपिसोड की शुरुआत में इटाडोरी को अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थी। इटाडोरी उन्हें याद करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी हमें आधा जला हुआ नानामी दिखता है, जो कि खुद को बीच पर इमेजिन कर रहा था। जैसे नानामी आंखें खोलता है, उसके आगे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस मौजूद थे। तब नानामी कहता है, ये जगह मलेशिया है, मुझे वहां जाकर बीच के किनारे एक घर बनाना चाहिए और जो बुक्स मैंने खरीदी हैं उन्हें आराम से पढ़ना चाहिए। पर रुको, मुझे अभी फुशी गुरु को बचाने जाना चाहिए। पता नहीं माकी और नायोबिटो कहाँ गए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं अब थक चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। और तब नानामी बीच के बारे में सोचते हुए उन ह्यूमंस को मारने लगता है। खराब हालत के कारण नानामी गिर जाता है, जहां वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस उस पर हमला करते हैं, पर नानामी खुद को संभाल कर उन पर दोबारा हमला करता है। इधर इटाडोरी को लड़ाई की आवाज़ आती है और वो भागकर उसी तरफ जा रहा था। नानामी यहां रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी माहितो नानामी को छूता है और कहता है, मैं तो हमेशा से यहीं था, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? और तब हम देखते हैं इटाडोरी भी वहां आ जाता है। नानामी कहता है, हाय बारा, एंड में मैं क्या करना चाहता था, मैं एक बार भाग गया था पर फिर दोबारा वापस आ गया। पर रुको, ऐसा नहीं कर सकता, ये तो हाइबारा पर एक कर्स ही बनेगा। और तब माहितो इटाडोरी को देख लेता है। नानामी कहता है, इटाडोरी, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं नानामी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इटाडोरी को बहुत गुस्सा आता है। माहितो कहता है कि तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। इटाडोरी उसकी तरफ भागता है, पर माहितो उन दोनों के बीच एक वॉल बना देता है। वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस की मदद मांग रहा था, जिस कारण इटाडोरी उसे पंच नहीं मारता। माहितो उस पर हमला कर देता है, पर इटाडोरी उसके ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को पकड़ लेता है और माहितो उसके अंदर से निकलकर इटाडोरी को पंच करता है। जैसे ही माहितो का ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन इटाडोरी पर हमला करता है, वो खुद को बचा लेता है। तभी माहितो खुद उस पर हमला कर देता है, पर इटाडोरी दोबारा बच जाता है। माहितो कहता है, अगर तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारूंगा। इटाडोरी का खून बह रहा था और वो कहता है, तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? माहितो कहता है, तो क्या मैं उन्हें गिनकर मारूं? ऐसा मैं अगली बार जरूर करूंगा। तब माहितो जुनपे की एक्टिंग करके इटाडोरी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। जब माहितो कहता है, मेरी बातों को इतना सीरियस मत लो, मैं तो एक कर्स हूँ जो कि बकवास बातें कर रहा हूँ, पर फिर भी अगर तुमने जल्द नहीं समझे तो तुम हार जाओगे। इटाडोरी गुस्सा हो जाता है कि तभी उसे नानामी की बात याद आती है और वो सोचता है, अगर नानामी यहाँ होता तो वो गुस्से से अपना कंट्रोल नहीं खोता, तो मुझे भी ये प्रूव करना होगा कि मैं एक जुजुत्सु सोर्सरर हूँ। इधर माहितो अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही माहितो उस पर हमला करने लगता है, तभी इटाडोरी उसे सरप्राइज कर एक किक मारता है और उसके ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को मारने लगता है। वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। माहितो इटाडोरी का हमला रोक देता है, वहीं इटाडोरी भी उसे पंच मारकर गिरा देता है। तब वो दोनों माहितो के ट्रांसफॉर्म ह्यूमन के अंदर घुस जाते हैं, फिर वो उसे चीरते हुए बाहर आ जाते हैं और माहितो कहता है, शाबाश, अब राउंड 2 शुरू करते हैं। तब माहितो अपनी सोल मैनिपुलेशन से अपनी बॉडी शेप चेंज कर लेता है और इटाडोरी पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। इटाडोरी उससे बचने की कोशिश कर रहा था कि माहितो दोबारा बॉडी शेप चेंज करके उस पर किक्स मारने लगता है, पर इटाडोरी भी उन्हें डॉज कर रहा था। तब इटाडोरी माहितो के ऊपर एक मशीन फेंकता है, जिसे चीरते हुए वो आगे बढ़ता है और इटाडोरी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी को अपने पंच में चैनलाइज करता है और जैसे ही माहितो ऊपर से उस पर हमला करता है, इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी से उसे वापस भेज देता है। वो लिफ्ट भी टूट कर नीचे गिरने लगती है और माहितो वहाँ आ जाता है। जैसे ही इटाडोरी उसे मुक्का मारने लगता है, माहितो उसके पास आ जाता है और उसे किस करने लगता है, पर इटाडोरी खुद को बचा लेता है। माहितो बार बार अपनी बॉडी की शेप चेंज कर इटाडोरी पर हमला करे जा रहा था, पर इटाडोरी भी कर्स एनर्जी से खुद को बचा लेता था। तब माहितो सोचता है, अगर मैंने कोई गलती की तो मैं मारा भी जा सकता हूँ, तो इसलिए अब मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस का ही अटैक करूँगा। तब इटाडोरी सोचता है, इसके पास पहले से भी ज़्यादा मूव्स हैं। और तभी माहितो वहाँ से गायब हो जाता है।
इटाडोरी उसे ढूंढने लगता है, जहां उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जिन्हें वो वहां से जाने को कहता है, पर असल में वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस थे जो कि इटाडोरी पर ही हमला कर देते हैं। माहितो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी इमेजिनेशन में कमी है? माहितो सोचता है कि ये ट्रिक सिर्फ इटाडोरी की सोल के आगे ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और वैसे भी हमारे पास अभी एक ट्रम्प कार्ड और मौजूद है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डैगन सारे ह्यूमंस को निगल जाता है। तब माहितो कहता है, मेरे पास काफ़ी ह्यूमंस हो गए हैं तो तुम बाकियों को मार सकते हो, बस नीचे वाले ह्यूमंस को कुछ मत करना। तो चलो इटाडोरी को मारने का मिशन शुरू करते हैं। जोगो उसे मना करता है। तब माहितो अपना क्लोन बना लेता है और कहता है, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। वो दोनों क्लोन्स अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और जोगो उस ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन की वॉल के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाता। इससे जोगो भी भड़क जाता है। तब हम देखते हैं दूसरा माहितो नोबारा के सामने आ जाता है। नोबारा कहती है, तुम वही पैच फेस वाले स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट हो ना? माहितो कहता है, इसका मतलब मैं फेमस हूँ? और नोबारा कहती है, सही कहा, तुम डर के भागने के लिए फेमस हो। तब माहितो कहता है, तुम सच में मेरे हाथों से मरने के काबिल हो। और तब नोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और सोचती है, जितना मुझे याद है इसकी टेक्निक सोल से रिलेटेड है और मैं इसे टच नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे इसे मारना ही होगा। तब नोबारा अपनी कीलों से उस पर हमला कर देती है और उन्हें माहितो के सिर में गाड़ देती है। माहितो कहता है, तुम तो कमाल हो पर इसका कोई फायदा नहीं है। और सोचता है, ये लड़की सच में उस लड़के के बहुत ज़्यादा करीब है, तो लगता है मुझे इसकी भी डेड बॉडी इटाडोरी को दिखानी चाहिए ताकि उसकी सोल डैमेज हो सके। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। Do 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 do